सभी विद्यार्थियों को प्रमोट को लेकर यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, अभी अभी जस्ट ये लेटर को जारी किया गया देख पा रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। यहाँ पर कौन से हैं दोस्तों यह बता दें, 21 तारीख को ही यह लॉन्च किया गया, देख पा रहे तिथि भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आखिर इसमें पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी देखेंगे और इस ऑफिशियल नोटिस पर आखिर क्या बात लिखेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं बिना देरी किए हुए, अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। यहाँ पर बता दें दोस्तों, डायरेक्टर जो है यहाँ पर जनरल हायर एजुकेशन यहाँ हरियाणा से यह खबर निकल के आ रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जो भी वॉइस चैलेंजर है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इंफॉर्मेशन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों लिखे गए कि काइंडली रेफर टू द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर जो है दोस्तों हरियाणा के जितने भी ऑर्डर किया जा रहा है यहाँ पर 23/6/2020 यानी 23/6/2020 को यानी 23 जुलाई को दोस्तों एक नोटिस आया था, जिस नोटिस में जो है प्रमोशन करने के लिए बात रखा गया था। उसमें 23 तारीख को यहां पर लिखा गया है दोस्तों, जैसे कि लिखा गया, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू प्रमोट एंड डिक्लियर द रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट एज पर द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर। यहाँ पर 23 तारीख को दोस्तों एक ऑर्डर पास किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि सभी को स्टूडेंटों को बिना परीक्षा दिए हुए प्रमोट कर दिया जाए और 21 यानी कि दोस्तों 28 अगस्त तक किसी भी हालत में सभी का यहाँ पर रिजल्ट जारी करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 23 जुलाई को कौन से एक लेटर जारी किया गया था, उसके भी तिथि हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख दिए गए, देख पा रहे हैं 23 तारीख को एक यह ऑफिशियली तौर पर लेटर जारी किया गया था, 23 जून को ही यह लेटर जो है जारी किया गया था। अब यहाँ पर 23 जून को जो लेटर जारी किया गया था दोस्तों 23/6 को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पास करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर देख पा रहे पॉइंट नंबर जो 2 है, इसमें लिखा गया है कि द स्टूडेंट विथ एकेडमी एरियाज जो है इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन होगा उस जो भी अटेम्प्ट किए होंगे उसी के आधार पर प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर एंड द रीअपीयर स्टूडेंट आर टू बी गिव मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस। और जो भी कैंडिडेट रीअपियर हो रहे हैं यानी जो कैंडिडेट फेल हो गए थे उन्हें भी यहाँ पर प्रमोट करने के लिए कहा गया। जो फॉर्मूला है दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन द सेम फॉर्मूला सेल एल्सो बी अप्लीकेबल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड प्राइवेट स्टूडेंट। जो भी एजुकेशन है यानी कि जिस प्रकार से इग्नू है उस प्रकार से डिस्टेंस लर्निंग के लिए चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए यहाँ पर प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो है बात जो यहाँ पर कहा गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए बात कहा गया था। और कल फिर से इसके बारे में एक अपडेट आ चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ से, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं ये न्यूज़ यह इन्फॉर्मेशन, जो कि सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए हुए प्रमोट करने के लिए बात यहाँ पर कह दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों यह देखा जाएगा कि कितने जल्दी इस पर एक्शन लिया जाता है, कितने जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता। यह आपके लिए बहुत ही एक राहत भरी खबर थी क्योंकि अभी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट तक भी जारी नहीं किया गया। जिस प्रकार से फाइनल ईयर वाले को परीक्षा लेने के बाद कहा जा रहा है उसी प्रकार से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। वैसे में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए और आशा करते हैं इग्नू का भी रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करिएगा जरूर। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।